बिग बॉस 11 की विनर रही शिल्पा शिंदे का अब इंटरव्यू सामने आ चुका है और रिएक्शन भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने काफ़ी कुछ कहा बिग बॉस 13 के बारे में और साथ ही साथ उन्होंने स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि वो बता सके सभी को कि सलमान खान कोई बायस्ड होस्ट नहीं है। और आपको बता दें दोस्तों कि साथ ही में उन्होंने वहाँ पर लाइव में ये भी कहा कि इस बार बिग बॉस 13 के अंदर जो भी कंटेस्टेंट है उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ असीम और सिद्धार्थ शुक्ला ही मुझे रियल लगते हैं। और वहीं पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफें की सिद्धार्थ शुक्ला की। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि शो में नज़र आते हैं वही वो रियल लाइफ में है, चाहे वो उनका अग्रेशन हो, चाहे वो उनकी मस्ती हो, चाहे वो उनका मजाक हो, या फिर वो कुछ भी जो भी बोलते हैं और जिस तरीके से वो रहते हैं वो हमेशा से ही वैसे थे और अभी भी वो वैसे ही हैं। और वहीं पर मुझे अब तक उनका गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं पर बात करी जाए अगर असीम रियाज की तो असीम रियाज भी काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहे हैं और सभी के साथ में वो काफ़ी अच्छे तरीके से गेम प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका सिद्धार्थ शुक्ला से कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और रही बात जो कि ये सब ट्रेंड कर रहा है कि सलमान खान कोई बायस्ड होस्ट है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सलमान सर कभी भी किसी भी चीज़ को देखते नहीं हैं, वो जो भी उनके मन में आता है वो कहते हैं और जो उन्हें दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ वही बताते हैं और वो किसी और की सुनते भी नहीं है, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे उनको अच्छे तरीके से। तो वहीं पर अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर घर की लड़कियों में से किसी के बारे में मैं बात करूंगी तो वो है शहनाज कौर गिल की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और अडोरेबल है। लेकिन वहीं पर उनका गेम भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा नज़र आता है। और साथ ही साथ उन्होंने रश्मि देसाई के लिए भी कहा कि ये घर में काफ़ी ज़्यादा अलग ही कंटेस्टेंट है जो कि शायद ही मुझे पसंद आए, क्योंकि इनका गेम ही काफ़ी कुछ अलग है और ये हर वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को ही टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि अब शिल्पा शिंदे के हिसाब से तो अभी तक जो बिग बॉस के विनर बनने के लायक है वो सिद्धार्थ शुक्ला ही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल खेलो खेलो को ताकि आपको मिले ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।